दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा, अगर आपके पास कोई स्टाफ काम करता है या फिर आपके अंडर में बहुत सारे बंदे काम करते हैं तो आप उनकी सैलरी का लेखा जोखा है जो है जरूर रखते होगे, और मैं श्योर हूं कि आप उनका जो सैलरी का लेखा जोखा है वो एक कॉपी या रजिस्टर में रखते होगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप उनकी अटेंडेंस, उनकी सैलरी और उन्होंने कितना ओवर टाइम किया और वो कब छुट्टी पर था, आपने उसको कितने पैसे दिए, कितना एडवांस दिया, सब कुछ जो है उस ऐप में मैनेज कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मैं हूं दामू, आप देख रहे हैं टेक्निकल थेरेपिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको इस ऐप का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा मेड इन इंडिया करके। तो आपने उसके बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मतलब कि ऐप किस लैंग्वेज में चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर देंगे जो भी आप बिजनेस के साथ में मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, आप इधर ओटीपी एंटर करें। उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल डालनी होगी, अपना नाम जिस नाम से आप बिजनेस यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने अपना बिजनेस का नेम यूज़ करना होगा, जैसे कि जिस नाम से आपका बिजनेस है, शॉप है या कोई छोटी कंपनी है, आप उसका नाम एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अपना लिख देता हूँ, यहाँ पर है मेरा DKPC सर्विसेज। तो आपका यहाँ पर शॉप हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है। यहाँ पर आपने उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद मंथली सैलरी जोड़ने का तरीका, आप 30 दिन का रखते हैं अपने स्टाफ के लिए या फिर आप मंथली वाइज रखते हैं, जैसे कि एक मंथ का, और आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे मंथली वाइज करता हूं मैं। उसके बाद आप शिफ्ट घंटा, मतलब कितने घंटे का आपका स्टाफ का शिफ्ट होता है। तो मैं यहाँ पर जो मेरे लिए होता है वो 10 घंटे का जो होता है, आपके अकॉर्डिंग जो होता है उसको करें। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर मिल रहा है DKPC सर्विसेज, और उसके बाद आपको नीचे ही मिलता है हाजिरी, नियुक्त करें और प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर स्टाफ को जोड़ना होगा, उसकी मतलब कि अटेंडेंस लेने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी वो करने के लिए। तो आप इधर अपना जो है स्टाफ का नाम जोड़ेंगे, जैसे कि मेरा है चंदन, उसके बाद कंटिन्यू करें। उसके बाद आप अपना उसका मोबाइल नंबर, जो आपके स्टाफ का मोबाइल नंबर है, ताकि वो यहाँ से मैसेज जो है वो रिसीव कर सके, जो आप यहाँ पर एडिट करेंगे, सैलरी जोड़ेंगे और वो सारी चीज़ें, उसके बाद नंबर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर वो बोल रहा है कि पेमेंट का तरीका चुनें, जैसे कि आपका जो स्टाफ है वो मासिक है या फिर घंटे का हिसाब है या दैनिक है या प्रति काम के हिसाब से है। तो मेरा जो है वो है मंथली, लेकिन जब मैं वो छुट्टी करता है तो उसका पैसा काटता हूँ, इसलिए मैं दैनिक के तौर पर आगे बढ़ रहा हूँ। आप जो चाहते हैं उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी है इसके स्टाफ की दैनिक सैलरी 300 रुपये, और आप मासिक के हिसाब से करेंगे तो मासिक इनकम डालें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। मैंने कोई इसको एडवांस नहीं दिया है, यहाँ पर मेरे को देना बाकी है, जैसे ही उसका मंथ होगा तब मैं उसको पैसे दूंगा। तो यहाँ से मैं ये करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए यहाँ पर 5400 रुपये जो हैं ये नीचे आप देख रहे होंगे 18 दिन के हैं, मतलब कि 18 तारीख आ चुकी है, उसके हिसाब से हो गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आप अपने और भी स्टाफ जो है वो जोड़ सकते हैं, अगर आपकी कंपनी में आपकी दुकान पर और स्टाफ है तो उसको जोड़ सकते हैं। नीचे हाजिरी कर सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए चंदन की जैसे कि हाजिरी करनी है या अटेंडेंस लगानी है तो उपस्थित है भी। अगर आप इसको अनुपस्थित करना चाहते हैं, जैसे कि आज ये अनुपस्थित है, वो हाफ टाइम आया होगा, तो हाफ टाइम पर क्लिक करें। उसके बाद आप उपस्थिति पे जैसे कि नॉर्मली रहता है। अगर आप और भी चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि ओवर टाइम जोड़ें या लेट फाइंड जोड़ना है या फिर छुट्टी पर है या फिर नोट लिखना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ओवर टाइम कैसे जोड़ना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है वो बता देता हूँ। जैसे ओवर टाइम आपका घंटे के हिसाब से कितना चलता है, मैं यहाँ पर जो चलता है मेरा 30 रुपये पर घंटे के हिसाब से, यहाँ पर आप घंटे जोड़ सकते हैं, जैसे 2 घंटे या 3 घंटे। तो आप इस तरह से जोड़ने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे और जो आपका ओवर टाइम है, जैसे कि 90 रुपये 3 घंटे का, देखिए उसके खाते में जो है वो जुड़ जाएगा और ये उसके पैसे जो है वो बढ़ जाएंगे। आपको ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं करना, बैक आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको चंदन के इस अकाउंट में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हाजिरी लगाना आपको ऊपर तो देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, हाजिरी लगाना मैंने सिखा दिया, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। आपको यहाँ पर लिस्ट मिलेगी, जैसे 18 तारीख
17 तारीख 16 तारीख पूरा महीने का आपको अगर इसमें मैसेज देना है उसको, तो मैसेज ऑटोमेटिक जाता है उसके बाद जो भी आप यहाँ पर वो करेंगे उसके हिसाब से। जैसे कि 18 तारीख को और 17 तारीख को अनुपस्थित था, तो आप यहाँ पर अनुपस्थित पर क्लिक करेंगे। और नॉर्मली जैसे कि और भी चीज़ें होती हैं हाफ टाइम, जैसे 15 तारीख को हाफ टाइम था या फिर यहाँ पर इसने ओवर टाइम किया, तो उसको आप इधर से ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप में आप इसको संक्षिप्त और फुल जो है वो इसकी पूरा ब्यौरा व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड करके कहीं पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है पीडीएफ। पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम चंदन है, डेली पर है और उसका मोबाइल नंबर ये है, और पूरी एक्टिविटी इसकी मतलब कितने रुपये इसने मेरे से कब लिए और कितना मैंने इसको दिया और बकाया कितना देना है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये किस दिन कितना आया, कितने घंटे पर ये रहा, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और यहाँ पर मेरे को कितना देना है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये पीडीएफ आप इसको व्हाट्सएप पर भी और कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, आपका एकदम अच्छे से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर चलते हैं पेमेंट जोड़ने। तो पेमेंट जोड़ने का फीचर भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने इसको कभी एडवांस दिया हो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और मैसेज भी जाएगा उसके पास। जैसे कि 200 रुपये इसने मेरे यहाँ पर लिए थे एक दिन टैक्सी के फेयर के लिए, तो यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन में टैक्सी फेयर लिख सकते हैं आप और इसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। डेट भी आपको मेंशन की जाती है, उसके बाद सेव कर दें। तो ये पैसे जो है वो देखिए कट गए हैं 200 रुपये, और नीचे भी देखिए जुलाई पेमेंट्स में जुड़ गया है। और बोनस का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे यहाँ पर बोनस जोड़ना होता है। और उसके बाद आपका लोन का हिसाब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपका कोई एम्प्लॉय है, आपने उसको रखते टाइम पर 20,000 का लोन दिया है, तो और सोचा कि बाद में महीना कर करके मैं काटता रहूँगा 2,000 रुपये कर करके, तो उसको कैसे ऐड करना है, तो लोन जोड़ने पर क्लिक करें। उसके बाद रकम कितनी थी, तो जैसे कि मैंने 20,000 रुपये दिए थे जोड़ते टाइम और 2,000 रुपये मैं हर महीने काटता रहूँगा ऐसा बोल करके, तो यहाँ पर लोन जोड़े पर आपने क्लिक करना होगा। लोन डाले पर तो 20,000 का लोन हो गया है। अब किसी मंथ उसका जैसे कि लोन काटना है, जैसे कि आज मैं इस महीने में मैंने लोन काटना है, तो लोन काटे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लोन रकम मतलब कि कितना काटना है वो 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से डिसाइड हुआ था। 2,000 रुपये करके आप यहाँ पर लोन काटे पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लोन काटे पर क्लिक करेंगे, देखिए उसका ऊपर से जो इस महीने का बकाया है वो माइनस हो चुका है। इस तरह से आप इसको एवो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे जो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जैसे कि इसकी जुलाई की सैलरी में क्या क्या हुआ है, आप यहाँ से उसका पूरा ब्यौरा देख सकते हैं, उसने मेरे से कितने रुपए लिए हैं और मैंने कितना लोन काटा है, पूरी डिटेल उसकी देखने को मिल जाती है, कितना उसने ओवर टाइम किया है, तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है पिछला महीना जोड़ें। अगर पिछले महीने में कुछ बकाया होगा या मेरा बकाया होगा तो आप इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अब नीचे आपको देखने को मिल जाता है नियुक्ति करें। नियुक्ति करने का मतलब यहाँ पे है कि आपकी दुकान पर या फिर आपकी छोटी मोटी कंपनी में एक जॉब प्रोफाइल जो है वो खाली है, उसके लिए आप एक एम्प्लॉय चाहते हैं या फिर एक स्टाफ चाहते हैं, तो यहाँ से जॉब पोस्ट पर क्लिक करें और मेरे को एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। उसके हिसाब से आपने सैलरी सेलेक्ट करनी होगी, कितनी रेंज में उसकी सैलरी आप देने वाले हैं, जैसे कि 10 से 15,000 रुपये, और काम क्या होगा, जैसे कस्टमर हैंडल करना है मैंने लिख दिया है। उसके बाद अगला पर क्लिक करें, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और यहां पर आपने अपना जो है कम उसका मतलब कि अपनी शॉप का अपना एड्रेस डालना होगा ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके और आपके पास आ सके। तो यहां से मैं डीके सर्विस और पूरा एड्रेस जो है वो डाल देता हूं, ऐसे ही आपने डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा अगला पर। तो ये देखिए आपका वो रेडी हो चुका है पूरा कार्ड इन्फोग्राफिक, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है, करना क्या है वो, और हम सैलरी कितनी देने वाले ये है, मेरा यहां पर नाम आ गया है और उसका नाम आ गया है, मोबाइल नंबर, और इसको आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं जैसे कि व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर, ताकि आपको एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल सके। और इस तरह से जो है देखिए आपका क्रिएट हो गया है, अब आपको कोई भी जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी और नंबर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अगली चीज़ की, जो कि है हमारे पास जैसे कि हमने इसके अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है, जैसे कि आपने इसको एडिट करना है कभी, मान लीजिए चंदन जो है वो छुट्टी पर है 10 दिन के लिए, आप इसको चाहते हैं कि रोज़ नहीं करना चाहता, तो आप इसको 10 दिन के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, आपको हर दिन जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी तरह से अगर चंदन हमारे यहाँ से हट जाता है, हमारा स्टाफ ही हट जाता है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, जैसे आप डिलीट करेंगे यहाँ से जो है वो हट जाएगा। तो इस
तरह से आप इस पगार बुक ऐप को जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ और जो इस वीडियो से रिलेट करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना और एक बड़ा सा लाइक करना। अगर आपको इसी तरह के वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।